नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। स्पाइडर का पहली बार इस्तेमाल, पाकिस्तानी ड्रोन दबा। कच्छ, भारत पाकिस्तान सीमा पर जासूसी कर रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को भारतीय सेना ने मार गिराया है। गुजरात के कच्छ इलाके में इस ड्रोन को गिराने के लिए पहली बार इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम स्पाइडर का इस्तेमाल किया गया। घटना इलाके के अंबासा गाँव की बताई जा रहा है, जहाँ इस ड्रोन पर डर्बी मिसाइल ने हमला कर दिया और ड्रोन ध्वस्त होकर जमीन पर आ गिरा। बता दें कि भारत ने स्पाइडर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो जवानों ने कैंप के पास एक उड़ती हुई चीज देखी। उन्हें समझ आ गया कि वह ड्रोन था जिसे पाकिस्तान से जासूसी के लिए भारत की सीमा पर भेजा गया था। जवानों ने बिना कोई देर किए मिसाइल से उस ड्रोन पर निशाना साधा। मिसाइल का निशाना सीधे ड्रोन पर लगा और वह तेज धमाके के साथ नीचे आकर गिर गया। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग वहां पहुंच गए। गांव वाले मौके पर पहुंचे और ड्रोन का मलबा देखा। पढ़े हवाई बदला लाइव, अब तक का हर अपडेट यहां। आपको यह भी बता दें कि यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम 2017 में ऑपरेशन ड्रोन के लिए तैयार किया गया था। बता दें कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट विमानों ने मंगलवार को तड़के नियंत्रण रेखा के दूसरी ओर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके और पाकिस्तान में कई आतंकी शिविरों पर बम गिराए। सरकार से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद द्वारा किए गए आत्मघाती हमले के ठीक 12 दिन बाद की गई है। एप शेयर